में काम चल रहा है जो, तो उसके चक्कर में पंडित लोगों ने हड़ताल कर रखी है। नमस्ते, हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज है 10 मई और आज हम करने वाले हैं केदारनाथ धाम के दर्शन। आज मंदिर भी खुल चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर भी आने चालू हो चुके हैं और कुछ ही देर में जो है मंदिर खुलने वाला है, हम भी जाएंगे। ये GMVN के टेंट है, इसमें हम रुके हुए हैं आज के दिन। नंदी बेस कैंप में हम रुके हुए, एक बंदे का किराया यहाँ पे 600 रुपये के हिसाब से है। और जैसा कि व्यापार मंडल की तरफ से अभी आज के लिए जो वहाँ पे हड़ताल लगी हुई है, आज और कल आपको यहाँ पे टेंट और होटल नहीं मिलेंगे। तो जब तक हड़ताल रहेगी तो आपको रुकने की व्यवस्था यहाँ पे नहीं मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये GMVN के टेंट है, 600 रुपये के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। अब केदारनाथ धाम के बाहर जो काम हुआ है, जो होटलें तोड़ी गई है, उस वजह से वहाँ पे व्यापार मंडल की तरफ से हड़ताल रखी गई है, जिसमें किसी को भी होटल रूम नहीं देने की हड़ताल रखी गई है, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी। अब उनकी मांगे कब पूरी होती है वो तो सरकार जानती है, लेकिन यात्री थोड़े परेशान होंगे इसमें जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी। तो अभी हमारी टीम दिखाता हूँ मैं आपको, टीम किधर है अपनी। ठंड की बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, टेम्परेचर 0 डिग्री से 2 डिग्री रहता है रात को, और अभी 3-4 डिग्री है। ये बेस कैंप में हम रुके हुए हैं नंदी कैंप में, क्योंकि ऊपर तो होटलें आपको मिलेगी नहीं, पहले फर्स्ट डे सेकंड डे आपको 1-2 महीने के बाद मिलेगी अगर आप ऊपर होटल लेना चाहते हैं। ये लगी है छरडार, छतरी लगी हुई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी चुंगी चौकी वाली टीम। ये वो जो सामने वाला कैंप है ना, इसके अंदर है हमारी टीम। तो अपने बंदे सारे अंदर बैठे हैं, जूते बाहर खोलने होते हैं, जूते बाहर खोल देते हैं। हाँ भैया, क्या हाल चाल है भाई? अरे भैया, तुम तो 3 बजे उठ के बाहर घूम के आ जाते हो क्या भाई, क्या बात है? कभी कभी क्या रहता है कि ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना शरीर के अंदर, इसलिए ना जल्दी जाने से ना फायदा होता है। अच्छा, हाँ तो सुरेश भाई, आप कुछ क्या कहना चाहते हो? आप तो बोल रहे थे ठंड लगती नहीं है, फिर आप ये दुशाला ओढ़े बैठे हुए हो। रात को तो टेम्परेचर यहाँ 0 डिग्री से कम हो गया, माइनस में हो गया था। ये बंदा 4-4, 5-5 ओढ़ के सोया था रात को। ये देखो, इनर भी पहनी हुई है, एक ऊपर एक कंबल, फिर ऊपर रजाई, फिर वो रजाई, 5-6 रजाई ओढ़ के सोया था। हाँ, क्या कहना चाहते हो? हाँ संजू भाई, मेरा तो बिल्कुल सेट है, मजा आ गया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी आपको। तो भाई, इस कैंप में हम रुके हुए थे रात को, कैंप बहुत ही अच्छा है, व्यवस्था एकदम फुल है। देखो चार्जर भी लगे हुए हैं, सारे पोर्ट चार्जिंग। हाँ भैया, कितना परसेंट हो गया आपका मोबाइल? पूरा हो गया, एक बार के अंदर ही हो गया 100%। तो यो यहाँ पे टेंट में सब कुछ सही है, लेकिन यार नहाने की व्यवस्था नहीं लगी मेरे को। मैं काम चल रहा है जो, तो उसके चक्कर में पंडित लोगों ने हड़ताल कर रखी है। तो आज रूम नहीं मिलेगा इधर?
मिल भी सकते हैं लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है। उधर से कंफर्म आएगा हाँ तभी हो सकता है। हाँ ठीक है, सुनाई में आ रहा है कि उधर हड़ताल हो सकती है आज। तो दोस्तों इस तरह से अब हम निकल रहे हैं केदारनाथ दर्शन के लिए। तो अभी यहाँ पर होटलों का थोड़ा शॉर्टेज है क्योंकि व्यापार मंडल की तरफ से होटलें अभी बंद है, बुकिंगें बंद है क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। तो उनकी मांगे पूरी करो। ये नज़ारा देख सकते हैं आप केदार घाटी का, पूरा घुमा के दिखाओ भैया। गाइस अगर आपके पास भी ये रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे पर्ची दिखानी पड़ेगी और आपको मिल जाएगी यहाँ से एक पर्ची। तो ये चेकिंग बूथ है, यहाँ से चेकिंग होगा। और अगर आपने ये नहीं करवाया तो आपको आधार कार्ड भी दिखाना पड़ेगा। ये स्कैन मशीन लग रखी है, इस पर आपको स्कैन कराना पड़ेगा। स्कैन हो चुका है इस तरह से। तो ये पर्ची आपको मिलेगी, टोकन नंबर है आपका, दर्शन करेगा, दर्शन करने का टाइम जो है आपका 8 बजे से 9 बजे के बीच आपकी बारी आएगी दर्शन करने के। 10 मई का ये है सबसे पहला। हाँ क्या बोलते पब्लिक, ले लिया भाई आपने पर्ची? हाँ पर्ची दे दिया ना, ये देखो स्कैन, तुरंत स्कैन करते ही ऑटोमेटिक आ जाती है पर्ची। क्या बात है भाई, मशीन बहुत जबरदस्त रखी हुई है योगी आदित्यनाथ। ये केदारनाथ धाम का मंदिर है और भीमशिला है और इसी के पीछे की साइड जो आप देख रहे हैं शंकराचार्य की स्टेचू बनी हुई है, वहां आपको दर्शन कराने के लिए लेके चलते हैं। बाकी मंदिर में कितनी भीड़ है वो तो आप देख ही सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं। बारी नहीं आ रही है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है फिर भी बारी नहीं आती है क्योंकि बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। के जस्ट पीछे लगा हुआ है भंडारा, बहुत ही बड़ा भंडारा लगा हुआ है जिसमें पूड़ी सब्जी सब मिलेंगे आपको। तो ये जो पीछे मंदिर के पीछे की लाइन आप देख रहे हैं ये भंडारे की लाइन है जो वहां तक लगी हुई है इतनी दूर तक।